नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बप्पी सिंह। आप देख रहे हैं बप्पी कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू शिमला मिर्च की सब्जी। साथ साथ आपको एकदम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपके आलू शिमला मिर्च एकदम ढाबा जैसा बने और ढाबा जैसा टेस्ट आए। उसके लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। ये कुछ सब्जियां हैं, इनको सारे चॉपिंग कर लेना है। ये है 5 आलू। अब रख लेंगे एक पैन, उस पर डालेंगे 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत हेल्दी होता है और सूखे सब्जी बहुत टेस्टी भी बनता है। तेल हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इस पर हम डाल देंगे हमारा कटे हुए आलू। मैं लोग आलू का साइज थोड़ा छोटे रखा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ साथ डाल देंगे थोड़े हल्दी पाउडर, थोड़े से डाल देंगे नमक। अच्छी तरह चला तो इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। इसी तरह अच्छे से चला लेंगे। अब इसको 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे। फिर से इसको एक बार चला लेंगे। आलू में हल्का सा कोटिंग आ चुका है, हमें इससे ज्यादा और नहीं करना है। अब इस आलू को हम निकाल लेंगे। आप आलू को देख सकते हैं, साइड से इसके गोल्डन कलर की कोटिंग भी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम डाल देंगे शिमला मिर्च, 5 शिमला मिर्च है। अच्छी तरह इसको भी चलाते हुए मिक्स कर लेना है। थोड़े से डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसको इसी तरह चलाते हुए 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करने से इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। यह हमारा शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुका है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। फिर से उसी पैन में हम डाल देंगे सरसों का तेल 2 चम्मच। चुटकी भर डाल देंगे हींग। साथ साथ डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। 1 टुकड़ा अदरक का है, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ। अच्छी तरह इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इस पर हम डाल देंगे प्याज, 2 प्याज है फाइन चॉप किया हुआ। अच्छे से चला लेना है। इसी तरह चलाते हुए इसको 1 मिनट भून लेना है। हल्का सा इसका कलर चेंज होना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब डालेंगे इस पर टमाटर, 2 देसी टमाटर है, आप कोई भी टमाटर यूज कर सकते हैं। साथ साथ डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू। फिर से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसी तरह इस सब्जी को बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब डालेंगे थोड़े से हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। आलू फ्राई करने के टाइम भी हमने नमक डाले थे, तो आप उस हिसाब से जरूर डालें। फिर से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेना है। इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत टेस्टी भी बनता है। अब इसको ढक देंगे 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर हमारा गल जाए। फिर से इसको एक बार चला लेंगे। टमाटर भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। आलू भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच डाल देंगे कूटी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच डाल देंगे मीट मसाला। आप चाहे तो चिकन मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। फिर से इसको एक बार चला लेंगे।
अब इस पर हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ हमारा शिमला मिर्च। अब इसको 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसको फिर से चला लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अब इस तरह से इस आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही मजेदार लगता है। ये हमारा सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको निकाल लेंगे हम एक सर्विस बॉल में। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।